हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आर श्योर इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ डॉक्टर डी वाई पाटिल बी स्कूल के बारे में जो कि ताथा पड़े में है द रीज़न वाई एम स्पेसिफाइंग दी लोकेशन इज बेसिकली बहुत सारे कॉलेजेस हैं डी वाई पाटिल के एंड मैं खुद कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ हर बार वैन स्टूडेंट कम टू मी एन आस्क मैम ये कॉलेज कैसा है तो कौन सा कॉलेज वो पूछ रहा है पहले वो पूछना पड़ता है एंड देन कहीं ना कहीं बताना पड़ता है तो मुझे ऐसा लगा कि यू नो मुझे इनके सारे ही कैंपसेस कवर करने चाहिए बट अभी आई एम स्टार्टिंग विथ देयर पी प्रोग्राम जो ये कॉलेज कराता है सो लेट्स गेट स्टार्ट होप यू गैज अ डूइंगट बिकॉज आई एम डूइंग एबसोल्यूटली सुपर तो यहां पर जो मैं इंफॉर्मेशन बताने वाली हूं इट इज by students also and by college also because मैंने दोनों जगह से input लिए हैं before making क्योंकि कुछ information कहीं ना कहीं website पर नहीं थी that is the reason my team reached out to them as well और verify करने के लिए I have reached out to these students and had a conversation with them as well so I think पूरा video जरूर देखना बाकी फिर यही suggestion है किसी भी college में admission लेने से पहले reach out to the students do a proper research because आप एक बहुत बड़ा investment करना चाहते हैं कर रहे हैं करना क्या चाहते हैं कर रहे हैं तो आप

तो चार साल वहाँ एंड तीन साल ऑलमोस्ट यहाँ पे तो चार तीन सात ये सेवेंथ ईयर है इस कॉलेज का इट कम्स टू इन रोलिंग स्टूडेंट्स उसके अलावा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है आईसीटी आई सी टी अप्रूव्ड है पी जी डी एम कराता है पी जी डी एम बिजनेस एनालिटिक्स में कराता है सारे एंट्रेंस एग्जाम एक्सेप्ट करता है दिस इज ऑफिशियल वेबसाइट टोटल फैकल्टीज ट्वेंटी वन प्लस एंड उसके अलावा हम और भी चीजें डिस्कस कर रहे हैं लुक एट कॉलेज डॉक्टर बी स्कूल फॉर पी जी टी एम नाउ टॉकिंग अबाउट दी दी मेजर स्पेशलाइजेशन है मार्केटिंग मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एच आर मैनेजमेंट और माइनर में डिस्ट्रक्टिव इनोवेशन राइट यहाँ पे इनटेक जो है वो वन एट्टी वन ट्वेंटी दिया है बट आफ्टर कम्युनिकेटिंग विद द कॉलेज जो इनटेक है वो फोर ट्वेंटी स्टूडेंट का है इस साल का टोटल राइट मैं यहाँ पे किसी कोर्स स्पेसिफाई नहीं कर रही हूं बट टोटल जो है वो फोर ट्वेंटी स्टूडेंट्स का इनटेक है नाउ टॉकिंग अबाउट फ्यू मोर थिंग्स इनका फीस स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पे दिया है वो कहीं ना कहीं सेवन लाख नाइन्टी फाइव थाउजेंड है और हॉस्टल फीस जो है वो वन लाख एटी थाउजेंड पर एनम दिया है स्टूडेंट ने भी मुझे सेवन लाख नाइन्टी फाइव थाउजेंड का फीस स्ट्रक्चर बताया है और हॉस्टल वन लाख एटी थाउजेंड का है जहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल जो है वो कैंपस के अंदर है और बॉयज़ हॉस्टल के लिए वो उनका खुद का नहीं है तो विद इन हंड्रेड मीटर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं अंडर टेन टू फिफ्टीन पर मंथ के बेसिस पे

फाइव परसेंट वेटेज टू योर एंट्रेंस एग्जाम एंड वर्क एक्सपीरियंस स्पोर्ट्स नोटेबल अचीवमेंट एक्सट्रा करिकुलर दैट इज प्रिफर्ड सो ये कहीं ना कहीं सिलेक्शन क्राइटेरिया है एडमिशन प्रोसेस बहुत ज्यादा डिफिक्ट नहीं है एंड देर इज नो सच मिनिमम परसेंटाइल रिक्वायरमेंट कि आपका कैट में मिनिमम सिक्सटी होना चाहिए या जैट में मिनिमम सिक्सटी होना चाहिए तो ये दो चीजें हैं जो रिक्वायरमेंट नहीं है जस्ट दैट बेसिक रिक्वायरमेंट और आपका अकेडमिक्स जो है वो डिसेंट होना चाहिए सो दैट इज बेसिकली दिक्वायरमेंट नाव इनकी कई सारे यूनिवर्सिटीज के साथ इंटरनेशनल एमओयू है क्योंकि ये एक टीजीडीएम ग्लोबल भी कराता है जहाँ पे आपको टेन टू फिफ्टीन डेज का इंटरनेशनल टूर मिलता है आज कई सारी यूनिवर्सिटीज है जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलफोर्ना रिवर साइड यूएसए राइट बॉल स्टेट यूनिवर्सिटी यू एस ए तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीजीजी है इनके इंटरनेशनल एमओ यू भी है ना प्लेसमेंट ये वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है स्टूडेंट ने जो प्लेसमेंट्स मुझे बताए हैं मैं वो आपको बता देती हूँ तो एज पर स्टूडेंट अगर हम बात करें तो उन्होंने एवरेज पैकेज बोला है छह से सात लाख का और एज पर कॉलेज जो है वो एवरेज पैकेज आई थिंक सेवन पॉइंट सिक्स सेवन के आसपास का कहीं ना कहीं है लोएस्ट पैकेज की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स का ये कहना है कि लोएस्ट पैकेज फोर पॉइंट फाइव लाख का भी जाता है राइट right? बट ये उस केसेस में जब बच्चा एकदम नॉन परफॉर्मिंग कैटेगरी में है उसके अलावा कई सारी कंपनीज जैसे सेल्स इवन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए ए एन जेड करके कंपनी आती है राइट right? उसके अलावा यू नो अगर हम बात करें तो दुबई की कंपनी है जिसमें हाईएस्ट पैकेज आई थिंक एटीन लाख ,00 का गया है एंड द कंपनी नेम इज़ सफीना जो कि दो स्टूडेंट्स को लेके गई है उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो आती हैं स्टूडेंट्स के लिए तो आपके पास प्लेसमेंट्स के लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं मिक्स प्रोफाइल्स हैं सेल्स भी हैं यू नो कोर कंपनीज भी आती हैं तो आपको डिसाइड करना है कि आप कहीं ना कहीं कैसी कंपनीज में जाना चाहते हैं और वहाँ पर आपका कहीं ना कहीं आपका क्या अकेडमिक्स uh, रहा है आप कितने एक्टिव रहे हो ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं अब मैं इसमें एक और चीज़ ये ऐड करना चाहूंगी कि एस पर कॉलेज इनका प्लेसमेंट क्या है एस पर कॉलेज ये तीन इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं एक है इनकी विंटर इंटर्नशिप जो कि वन मंथ की होती है देन दूसरी इंटर्नशिप होती है समर इंटर्नशिप जो कि दो महीने की होती है जिसमें फाइव टू फोर्टी के का साइट मिलता है और जो तीसरी होती है वो एक से तीन महीने की होती है जो कि लाइफ प्रोजेक्ट भी हो सकता है रिसर्च प्रोजेक्ट भी हो सकता है राइट right? और फर्स्ट ईयर से ही राइट right? जो स्पेशलाइजेशन है वो पढ़ाई जाती है जिसमें आपके पास मार्केटिंग फाइनेंस एचआर और इवन बिजनेस एनालिटिक्स की भी स्पेशलाइजेशन है जो इनका पीजीडीएम ग्लोबल है इसमें आपके पास इंटरनेशनल इंटर्नशिप करने का भी ऑप्शन कहीं ना कहीं रहता है कॉलेज के हिसाब से जो हाईएस्ट पैकेज था फेडरल बैंक कॉलेज के हिसाब सेवन लाख का और मीडियम पैकेज है सिक्स है फाइव लाख का और मिनिमम है फोर लाख दिस इज बेसिकली द प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक अब आप कहोगे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए उस पर आगे डिस्कस कर रहे हैं तो ये कुछ जो है जो कॉलेज कराता है फैकल्टीज़ हैं ये ये डायरेक्टर हैं डॉक्टर अनमोल गावंटे क्वालिफिकेशन बी कॉम एम बी ए पी एच डी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में शी इज़ अ प्रोफेसर डॉक्टर सोनाली साह क्वालिफिकेशन बी एस सी एम बी ए पी एच डी देन ये कुछ नोटेबल एलुमनाएं हैं मिस ज्योति उभरेती डिलोयट में हैं अनुभव तिवारी डिमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स मिस आर्या कोमल शी इज़ वर्किंग विथ के पी आई टी टेक्नोलॉजीज एंड दीज आर द फ्यू एलुमनाइज ये क्लब्स हैं म्यूजिक क्लाब थिएटर क्लाब रोड श्र क्लब राइट ये सारे क्लाब एक्टिवली काम करते हैं ये कमिटीज़ हैं एंड दैट्स उलबाउ दिस कॉलेज नाउ शुड शुड आई गो फो दिस कॉलेज और नॉट तो उसका सिंपल सा आंसर यह है कि आपको कहीं ना कहीं स्टूडेंट से बात करनी है बिना एडमिशन लेने के टाइम पे उसके अलावा कौन से कॉलेज लिस्ट में हैं आपकी प्रोफाइल कैसी है उन लिस्ट में इस कॉलेज को आपको कौन से नंबर पर प्लेस करना चाहिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा जो आपको लेना चाहिए एंड उसके बेसिस पर डिसाइड करना चाहिए कोई और हेल्प लग रही है तो नीचे जो फॉर्म दिया है उसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं तो खान साइनिंग ऑफ मिलते एक और वीडियो के साथ।